एवरीवन, आज की वैकेंसी बहुत ही अच्छी है और 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने फिर जॉब लेके आया हूँ। आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैथल से भी जो बिलोंग करते हैं, जींद से भी जो बिलोंग करते हैं, या शाहबाद कुरुक्षेत्र से और रोहतक से जो पर्सन है अपने करनाल होम टाउन से हैं, उनके लिए भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और एक चैनल पर जो नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छे ऑफर्स और बहुत ही अच्छी जॉब्स आपको मिलती रहेंगी। आपको व्हाट्सअप पर जो मैंने नंबर दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप पर नंबर है, तो इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में भी ज्वाइन करने में आपको मदद मिलेगी, जिससे भी जो भी वैकेंसी आएगी आपको भरपूर मात्रा में मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। नमस्कार सभी को, आज की वैकेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिन भाई का और भाई ने जॉब करनी है उन सभी के लिए कुछ अच्छा मैसेज लेके आया हूँ। जो पर्सन कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं या शाहबाद मारकंडा से बिलोंग करते हैं या अपने हिसार से, कैथल, जींद और रोहतक, इन सभी के लिए गुड न्यूज है। और मैंने आपको बताया कि मैं अपनी तरफ से सभी के लिए सहयोग कर रहा हूँ। और जिन भी भाई को इंटरव्यू करवाना है तो कल की डेट में जाके अपना इंटरव्यू दें। और आपको सबसे बेस्ट न्यूज मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि हिसार की डिमांड मेरे पास ज़्यादा आ रही थी और कुरुक्षेत्र से डिमांड ज़्यादा आ रही थी, तो उनके लिए मैंने स्पेशली वीडियो डाली है। तो वीडियो के माध्यम से आपको जो जो मैं आपको पोस्टें बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, आपको जॉब मिलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलेगी, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आई है फ्रेशर के लिए आई है। और जो पर्सन एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो उसकी सैलरी अच्छी लग जाएगी। सबसे पहले मैं आपको कुरुक्षेत्र से स्टार्टिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर हमें सबसे पहले लड़के चाहिए ड्राइवर, जिनको पर्सनल गाड़ी चलानी आती हो तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। इसके अलावा उनका कारों का शोरूम है, तो गाड़ी चलानी है ड्राइवर के लिए, कुरुक्षेत्र में गाड़ियों के शोरूम है हमारे पास, तो उसके अंदर हमें ड्राइवर चाहिए। एक हमें अजय पीएन के लिए लड़का चाहिए जो साफ़ सफाई का काम कर ले, तो ये हमारे पास शोरूम के लिए रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कोई पर्सन होटल में जॉब करना चाहता हो तो होटल के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, अजय सैफ के लिए, इंडियन सैफ हो या चाइनीज सैफ हो, तो मोस्टली इंडियन सैफ हमें मिल जाए तो उनके लिए अच्छी सैलरी लग जाएगी 15 से 30 हज़ार रुपये तक की। और इसके अलावा फार्मा की कंपनी के अंदर हमें रिक्वायरमेंट आई है, 10 लड़कियां चाहिए शाहबाद के लिए एज ए टेलीकॉलर के लिए। जो भी लड़की टेलीकॉलिंग में इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। ये शाहबाद की वैकेंसी बताई हैं। और जो पर्सन करनाल के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑफिस के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए एक हमें फील्ड बॉय के लिए रिक्वायरमेंट है और एक हमें कलेक्शन बॉय के लिए रिक्वायरमेंट है। जो भी पर्सन कलेक्शन बॉय के अंदर जैसे टू व्हीलर की कलेक्शन होती है वो भी अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन जो पर्सन ड्रिल मैन हो या किसी लिमिटेड कंपनी में एज ए हेल्पर के तौर पर काम करना चाहते हो तो वो भी काम आ चुका है, मेन पावर कंपनी है, उसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट है। और सबसे ज़्यादा बहुत ही अच्छी मैसेज देना चाहूँगा लड़कों के लिए भी, ऑफिस बॉय की जॉब आ चुके हैं, जिस पर्सन ने ऑफिस बॉय या पीएन में जॉब करनी है वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो कोई लड़की हो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए तो वो भी रिक्वायरमेंट आई है, ये आपको लोकेशन मिलेगी सेक्टर 7 की। जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है सेक्टर 7 में जॉब करना चाहते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, तो ये सारी वैकेंसियाँ कुरुक्षेत्र के लिए निकली हैं। और 20 लड़कियाँ हमें चाहिए एज ए टेलीकॉलर के लिए। जो भी लड़की इंटरेस्टेड हो शाहबाद के अंदर या कुरुक्षेत्र के अंदर जॉब करना चाहती हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर में जॉब करना चाहती हैं तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैंने आपको बताया कि 200 चार्जेस है, इसके अलावा और भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हम नहीं लेते हैं जो भी पर्सन कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो उन सभी के लिए मैसेज है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आने वाले टाइम में और भी अच्छी वैकेंसियाँ निकालता रहूँगा जो भी पर्सन अपना कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आप कल की डेट में, आज के आपको पता है कि 19 तारीख है, तो 20 तारीख को अपना इंटरव्यू दें और मंडे से अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और जो भी चैनल पे नए आए इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर से ही आपको कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी लड़के हैं या लड़कियाँ बेरोजगार हैं उनको मैसेज मिलेगा तो वो मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे।
और जो मैंने फॉर्मेलिटी आपको बताई दी है। इसके अलावा जो पर्सन हिसार से बिलोंग करते हैं तो हिसार के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज मैंने देना है, और मैंने खुद ही वैकेंसी निकाली आज की डेट की। सबसे पहले एक हमारे पास ना एलजी का शोरूम है, उसके लिए हमें ग्रेजुएट पर्सन चाहिए जो कि टेलीकॉलर का या सॉरी कस्टमर डीलिंग का, सेल्स गर्ल्स का काम कर सकती हो, लड़की भी कर सकती हो या लड़का हो सेल्स गर्ल्स का काम करना चाहता है शोरूम पे, तो वो भी आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और इसके अलावा दो कंपनियां और आई हैं, धीमान इंटरप्राइज कंपनी आपकी वहाँ पर है, तो वहाँ पर भी हेल्पर और सेल्समैन लड़कों की जरूरत है जो 10वीं 12वीं पास हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 10,000 से लेकर 15,000 रुपये आपको मिल जाएगी। और जो पर्सन शोरूम के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एज ए हेल्पर बॉय के लिए जॉब आ चुके हैं, जो कि कम पढ़े लिखे हैं, एज ए हेल्पर में जॉब करना चाहते हैं। कस्टमर आएंगे, सामान वगैरह दिखाने का काम रहता है या सामान इधर उधर रखने का काम रहेगा। तो और इसके अलावा कोई लड़की टेलीकॉलिंग में जॉब करना चाहती हैं तो टेलीकॉलिंग के लिए भी लिमिटेड कंपनी के अंदर, देखो कंपनी का नाम मैं श्योर नहीं करता, भी काफ़ी पब्लिक एकदम पहुंच जाती है, तो जिनको ही जरूरत है और जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकती है। और इसके अलावा मेल लड़का चाहिए या फिर मेल हो, अकाउंटेंट का काम आता हो, जिसको टैली या जीएसटी के बारे में नॉलेज अच्छी होता है, मैं जो अकाउंटेंट में उनको प्लेसमेंट दे देंगे। और लास्ट में वैकेंसी आई है रिसेप्शन के लिए, जो भी पर्सन रिसेप्शन में जॉब करना चाहती हैं तो उनके लिए भी रिसेप्शन में जॉब आ चुकी है। और जो पर्सन कैथल और जींद और अम्बाला से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं कल पर्सनली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है आप सभी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे मैसेज और वैकेंसी भेजता रहूँगा, और आपका सहयोग ही मुझे चाहिए। जो आप इस वीडियो को ज़्यादा आप शेयर करते हैं, थोड़ा सा आप भी इम्प्रूवमेंट्स करवाएं अपने आप में, कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो थोड़ा सा अपने चेहरे पे खुशी रखिए, और जितना हो सके हिंदी में बात करें। देखो हम मैं भी हरियाणा से ही बिलोंग करता, तो आपके थोड़ा देखो हर अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग लैंग्वेज हैं, तो आप जितना हो सके हिंदी में बात करें, क्योंकि अगला हिंदी में थोड़ा अट्रैक्टिव रहता है, हाँ बंदा थोड़ा सा सिंसियर रहता है। बाकी आप हरियाणवी में बात करते हो, आपकी पर्सनल लैंग्वेज है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो पर्सन रोहतक से बिलोंग करते हैं तो रोहतक के लिए मैंने जो परसों वीडियो बनाई थी स्पेशल, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। ड्राइवर की जॉब आई हुई है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आई हुई है जॉब, टेलीकॉलर में जॉब निकली हुई है, डाटा कलेक्शन में जॉब निकली हुई है, और कुछ वैकेंसी और भी मैं आपको आज की डेट की बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा मेरे पास जो वैकेंसी रोहतक के लिए निकलती हैं तो मैं खुद भी फोकस करता हूँ कि चलो रोहतक के लिए इतना काम करता हूँ, तो सिक्योरिटी गार्ड में भी इंटरेस्टेड पर्सन है तो वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी हमें लड़के चाहिए होती है, पीएफ ईएसआई कटने की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, वो वहाँ की सिक्योरिटी है तो उनसे हमारा टाई अप हुआ है तो आपको डायरेक्ट मिलवा देंगे, और बाकी जो उनकी जो फॉर्मेलिटीज रहेंगी वो अपना पूरी कर सकते हैं। बाकी देखो ज़्यादा तो लड़कियों के लिए वैकेंसियाँ निकलती हैं, लेकिन कोई लड़का मार्केटिंग के लिए इंटरेस्टेड हो या डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंटरेस्टेड हो, या किसी पर्सन ने ट्रैवलिंग लाइन में कंप्यूटर ऑपरेटर में या टिकटिंग के बारे में नॉलेज हो, या किसी ने इलेक्ट्रिशियन के बारे में नॉलेज हो, तो ये सारी वैकेंसियाँ और पेंट्री बॉय पीएन की भी वैकेंसी हमारे पास आई हुई हैं। और इनकम टैक्स के लिए कोई लड़की टैली में या अकाउंटेंट में नॉलेज हो, या सिविल में डिप्लोमा या केमिकल के बारे में नॉलेज हो, डिप्लोमा भी दो तरीके के होते हैं, ड्राफ्टमैन सिविल है या डिप्लोमा डिग्री के भी बीटेक का या डिप्लोमा किया हो, तो वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वैकेंसियाँ सभी रोहतक के लिए बताई हैं, और जो उनसे मैंने तीन डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी मैसेज है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा आप शेयर करें। और जैसे ही मैंने बताया कि कोई ज़्यादा चार्जेस मैंने नहीं रखे हुए, क्योंकि मैं अभी समझता हूँ कि चलो आज के टाइम में कंडीशन सभी की हाथ टाइट चलता है, तो देखो हमारे भी थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको तीन इंटरव्यू या चार इंटरव्यू की इसी फीस के अंदर आपको मैं इंटरव्यू कराने की कोशिश करूँगा। हाँ कई बार ज़्यादा भी वैकेंसियाँ मेरे पास आती रहती हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको उसी फीस के अंदर आपको और भी एड्रेस भेज दिए जाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।